हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे साइंस में क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर थर्ड, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें आज हम देखेंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और उसके बारे में कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कितने तरीके से एटॉमिक मास फाइंड आउट किया जाता है, ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मोल कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। यानी कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, सब एटॉमिक पार्टिकल है थ्री पार्टिकल्स। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका मास जो होता है, अगर मैं ए एम यू में बताऊं तो 0.0005 ए एम यू, इसका 1.007 ए एम यू होता है, इसका भी 1.07 ए एम यू। अब आप देखिए, इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो निगलेक्ट हम कर सकते हैं। और एटॉमिक मास क्या हो गया यहाँ पर, इन सब का मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, और ये एक इलेक्ट्रॉन का मास उसको मल्टीप्लाई कर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने उससे एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने तो भी वन एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिए और तीनों के मास को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, एटॉमिक मास, एक एटम का मास। यानी द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसकी कई यूनिट्स हैं, जैसे ए एम यू है, यू है, यूनिफाइड मास है, डाल्टन है, ग्राम है। सबसे मोस्ट कॉमन जो यूनिट होती है, ए एम यू और यू एक ही बात होती है, यूनिफाइड मास। आई यू पी एस सी ने ए एम यू को शॉर्ट में क्या बोल दिया है, यूनिफाइड मास यूनिट, यू से डिनोट कर दिया है। डाल्टन एंड ग्राम ये यूनिट होती है, ए एम यू और ग्राम को हम आगे रिलेट करेंगे। तो एटॉमिक मास क्या हो गया, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर कितना है और वन इलेक्ट्रॉन का मास कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इट इज ऑलमोस्ट कितना हो गया, जीरो। इट इज ऑलमोस्ट वन, इट इज ऑलमोस्ट वन। यानी अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कितना हो गया, जीरो। किसी को भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा ना, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 0.0005 ए एम यू प्लस नंबर ऑफ प्रोटोन एन पी कर देते हैं इसको, मल्टीप्लाई 1.007 ए एम यू प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई 1.007 ए एम यू। अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एन ई, ये क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गया। तो हमारे पास में सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई इट इज ऑलमोस्ट वन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई वन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, ये किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से हमारे पास एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला आ गया है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप क्या बोलते हैं, जेड एटॉमिक नंबर, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, एन। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या हो, कितना होगा, जेड प्लस एन। और अगर मुझे ए मालूम है, जेड मालूम है, तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम है और जेड मालूम है तो ए मालूम हो जाएगा। यानी कोई भी दो चीज़ें मुझे गिवन हो तो मैं थर्ड चीज़ अपने आप फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, यूनिट ऑफ मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास होता है वो होगा ए एम यू। यूनिट ऑफ मास ऑफ वन मोल एटम ये किस में लेंगे, ग्राम में। जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं और उनका मास दिया हुआ है,
अगर मैं इसके आगे ग्राम लगाऊंगी तो इसका इसका मीनिंग है ये कितना, वन मोल एलिमेंट के। और अगर मैं इसके आगे वन एएमयू कर देती हूँ, इट मीन्स ये वन एटम का मास है। ठीक है, तो ये दोनों ही एटॉमिक मास की यूनिट होती है, ग्राम भी और एएमयू, इसलिए इसको एटॉमिक मास ही यूज किया गया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, वन। कुछ के एटॉमिक मास हमें मालूम होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। अगर मैंने यूनिट क्या लगा दी है, ग्राम, इसका मतलब ये क्या है, मास ऑफ वन मोल है। और इसी के आगे मैंने लिख दिया वन एएमयू, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ वन एटम। जैसे 12 ग्राम लिख दिया, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, एक मोल कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 एएमयू, इट मीन्स मास ऑफ वन एटम। ये क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। और ये क्या होता है, यहाँ अगर मैं ग्राम लगा रही हूं तो मास ऑफ वन मोल एटम। ओके, अगर मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और इसका मास कितना होता है, 14। 14 के आगे अगर मैंने ग्राम लगा दिया, इट मीन्स वन मोल नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 ग्राम, और वन एटम का कितना हो जाएगा, 14 एएमयू, 14 एएमयू। ऑक्सीजन है तो इसका मास कितना होता है, 16 ग्राम वन मोल का, और अगर 16 एएमयू है, इट मीन्स ये किसका कितना हो जाएगा, 16 एएमयू वन एटम का मास हो जाएगा। सोडियम 23 ग्राम, ग्राम है, इट मीन्स वन मोल का मास हो जाएगा। मैग्नीशियम 12 ग्राम, 12 ग्राम मीन्स वन मोल का मास कितना हो गया, 12 ग्राम, और 24 ग्राम, और 24 एएमयू का मतलब हो गया यहाँ पर मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम, ये 23। सिमिलरली अगर 13 है एटॉमिक नंबर, तो देखिए 13 में क्या होता है, 27 ग्राम। जो जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर आपके पास ऑड नंबर है तो 2 में मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए। जैसे 13 ऑड है तो ये 13 × 2 कितना हो गया, 26, और वेट कितना हो गया, 26 प्लस 1 यानी 27। अगर मैंने लिख दिया ग्राम, इट मीन्स वन मोल, आगे बताएंगे मोल क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर मैंने पूछा है कि वन मोल मैग्नीशियम एटम का वेट कितना होता है, तो 27 ग्राम। और अगर मैंने पूछा वन एटम का कितना होता है, तो आप लिखेंगे 27 एएमयू, 27 एएमयू। नाउ 14 किसका होता है, सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर है 14, यानी 14 इसके पास प्रोटॉन है, और अगर ये इवन नंबर होता है तो हम डबल करते हैं, 14 × 2 = 28, और ग्राम लगा दिया, इट मीन्स 28 ग्राम वन मोल सिलिकॉन का एटॉमिक मास है, और 28 अगर मैंने एएमयू लगा दिया, इट मीन्स मास ऑफ वन एटम ऑफ सिलिकॉन। अब देखिए फास्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना है, 15, 15 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना पड़ेगा इसके मास के लिए। 15 × 2 कितना हो गया, 30, और 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31 ग्राम हो गया, ये कितना हो गया, 31 एएमयू, 1 मोल के लिए 31 ग्राम होता है, और 1 एटम के लिए कितना हो गया, 31 एएमयू। ऐसे ही सल्फर 16s, इवन नंबर का क्या करते हैं, डबल करते हैं, 32 ग्राम्स हो गया। अगर 1 मोल का पूछ रहे हैं तो 32 ग्राम, और 1 एटम का पूछ रहे हैं, 32 एएमयू। अब देखिए ओनली सीएल ऐसा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये सीएल, कि यहाँ पे हमने इसका एटॉमिक मास जो है वो पॉइंट्स में लिया, 35.5, है ना, सीएल का कितना लिया, 35.5, 1 मोल का है तो आगे क्या लगा देंगे, ग्राम, और अगर 1 एटम का है तो 5.5 एएमयू। नाउ पोटेशियम 39, है ना, 19 क्या है, ऑड, 19 × 2 38, और प्लस 1 ऑड है इसलिए 39 ग्राम हो गया 1 मोल के लिए, और 39 एएमयू के लिए 1 एटम का मास हो गया। 20 ग्राम्स, 20 किसका एटॉमिक नंबर होता है,
कैल्शियम का, और ये क्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये कितना हो जाएगा 40। डबल करना, इवन को डबल करना होता है और ऑड को डबल में वन ऐड करना होता है। तो 40 ग्राम है, ग्राम का मीनिंग क्या हो गया, वन मोल का हो गया वेट, और 40 अगर AMU कह दिया जाए तो वन एटम का मास हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि एटॉमिक मास जो होता है, यहाँ देखेंगे हम ये करने के बाद, आपने ये देखा कि मास ऑफ वन मोल, अगर आप देखें वन एटम कर लेते हैं, वन एटम तो उसको किस में लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, AMU। और यही चीज मास ऑफ वन मोल कर दिया जाए, वन मोल एटम की बात कर दी जाए, तो यहाँ पर यूनिट क्या लगा रहे थे, ग्राम। ये भी सेम होता है और ये भी सेम ही होता है। तो वन मोल में देखिए कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वन मोल का मीनिंग क्या हो गया, कहती हूँ वन मोल का मीनिंग होता है वन मोल, इसका मीनिंग होता है 6.022 × 10²³। अगर मैं एटम की बात करूंगी तो एटम होगा, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो ये मॉलिक्यूल होंगे। अभी हम एटम की बात कर रहे हैं इसलिए ये क्या हो गई, इतने एटम्स। ये किसका मास है, मास ऑफ वन एटम। ये किसका मास है, मास ऑफ वन मोल। अब देखिए मास ऑफ वन मोल की जगह क्या हो गया, × 10²³ एटम्स, यूनिट क्या आ गई, ग्राम। आगे देखिए, अगर मैं वन एटम का निकालना चाहूंगी, वन एटम के लिए क्या हो जाएगा, वन एटम आप क्या करेंगे, वन अपॉन 6.022 × 10², यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं देखो क्या आएगा, ये 23 ऊपर गया, ये 1.6 नियर अबाउट 6 ही हो गया, 6.0 यानी 6 हो गया, ऐसा लिख लेते हैं। और ये क्या हो गया, 23 अगर ऊपर जाएगा तो कितना आ गया, 10²−23। अब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करती हूँ और 10 से डिवाइड भी करती हूँ, तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी और 10 से डिवाइड करूँगी तो देखो क्या आएगा, 10/10 कर दिया, मल्टीप्लाई 1/6.0 और मल्टीप्लाई क्या हो गया, 10³−20। ये यहाँ पे जाएगा ऊपर की तरफ तो ये क्या आ जाएगा, 10/6 मल्टीप्लाई 10²−24, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.66 × 10²−20। इसे क्या बोलते हैं, मास ऑफ वन एटम को क्या बोलते हैं, वन AMU, जो ऊपर दे रखा है AMU में आंसर। तो वन AMU किसके बराबर हो जाता है, 1.66 × 10²−24 ग्राम। यही चीज देखिए आगे लिखी हुई है, एटॉमिक मास A × 1.66 × 10²−। अब इसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, AMU में, तो AMU यानी 1 AMU किसके बराबर होता है, इतने ग्राम के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 1 AMU जो होता है 1/6.022 × 10²। या क्या लिख सकते हैं आप इसको, 1 AMU = 1/N, चाहे आप इसे लिखिए या इसे लिखिए, बात एक ही है ना, तीनों में एक ही मीनिंग निकलता है, आपको ये रिलेट करता है AMU को ग्राम से। दोनों यूनिट किसकी है, एटॉमिक मास की या मॉलिक्यूलर मास की है, जो इस चीज का हम मास निकालना चाहते हैं, एटम का मास निकालना चाह रहे हैं तो ये एटम की यूनिट्स हो जाएंगी, मॉलिक्यूल का मास निकालना चाह रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल की यूनिट हो जाएगी। AMU इतना बड़ा लिखा जाए, इसकी बजाय IUPAC ने क्या कर दिया, इसको 2 में कन्वर्ट कर दी, 2 मीन्स यूनिफाइड मास। ओके, अब देखिए एटॉमिक मास जो होता है उसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, ये तो इसकी यूनिट्स की बात हुई, एटॉमिक मास को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एटॉमिक मास दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक होता है रिलेटिव,
रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी किसी से तुलना करनी है, रिलेटिव मतलब रेशियो में बताना है, किसी से कंपेयर करना है कि ये हाइड्रोजन का मास कार्बन से कितना भारी है, ऑक्सीजन का मास कार्बन की कंपैरिजन में कितना, एक साइड कार्बन को रख दो, दूसरे साइड दूसरे एटम को, जिसका भी हम मास फाइंड आउट करना चाहते हैं उसे रख दिया जाए, तो ये क्या हो जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। हम यहाँ पर क्या लेंगे, कार्बन, ओनली कार्बन से कंपैरिजन करेंगे। क्यों करेंगे कार्बन से, क्योंकि एक तो कार्बन से कंपैरिजन करने पर लगभग फुल मतलब पूरा आता, पॉइंट्स में डेसिमल में आंसर नहीं आता किसी का भी मास। दूसरा अबंडेंस बहुत ज्यादा है इसकी, तीसरा इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए हम कंपैरिजन किससे करते हैं, कार्बन से। और दूसरा क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास, जैसा कि आपको मालूम है एटम्स जो होते हैं वो अलग अलग मासेस के फॉर्म में रहते हैं, इनका जितना अबंडेंस होता है नेचर में उससे हम उनका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम किससे कंपैरिजन करते हैं, पहले सबसे पहले हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया था, फिर ऑक्सीजन से कंपेयर किया गया था, और सबसे लास्ट में कार्बन से किया गया, कंपेयर विद कार्बन एटम मास, है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। और वाई कार्बन, वाई कार्बन, तो इसके तीन रीजन है, पहला नॉन रिएक्टिव, है ना, कंपैरिजन में रिएक्शन बहुत कम करता है, दूसरा इसमें अबंडेंस बहुत ज्यादा है, अबंडेंस यानी परसेंटेज नेचर में बहुत ज्यादा है, और तीसरा ऑलमोस्ट जो एटॉमिक मास होता है वो किस में आता है, इन होल नंबर, पूरी संख्या आती है, 3, 4, 5, 7, ऐसे ऐसे अधूरा नहीं आता है, जैसे 0.9 है ना, 3.9, 4.9, ऐसा नहीं आता है, पूरा आता है, होल नंबर्स के अंदर आता है, इसलिए हम किसको यूज करते हैं, यहाँ पर कार्बन को यूज करते हैं। और जिसके आइसोटोप्स बहुत सारे होते हैं, आइसोटोप्स बहुत सारे हों, उनका क्या करते हैं, हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट किया, और ये कैसे होते हैं, फ्रैक्शनल आएंगे आंसर, फ्रैक्शनल होंगे, जैसे कि आप देखते हैं कि Cl का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, इसलिए ये क्या है, इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे हम अभी देखेंगे। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ एटम, देखिए मास ऑफ वन एन एटम, और मास ऑफ वन एटम किस में लिया जाता है, यहाँ पर एएमयू में, है ना, ये किस में आएगा, एएमयू में, और विद रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का मास कितना होगा, 12, है ना, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा ये भी मास है, ये भी मास है, इसलिए क्या आ जाएगा, एएमयू एएमयू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, यूनिट लेस आएगा। जब हम यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं तो C12 है, और ये भी क्या, 12 AMU, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 AMU, है ना, 1 आ जाएगा, और 1 एटम का जिसका भी हमें फाइंड आउट हाइड्रोजन का करना होता है तो हम यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रख देंगे, 1 एटम का मास रख देंगे, अगर नाइट्रोजन का करना होगा तो नाइट्रोजन का रख देंगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसका क्या हो जाएगा, 14 AMU, और ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए एएमयू नीचे है, एएमयू से एएमयू कैंसिल, कितना आ जाएगा, 14। नाउ यही चीज यहाँ पर दी हुई है, 1 AMU, अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर 1 AMU, ये क्या है, यहाँ पर 1 एटम का मास कितना होता है, 1 AMU,
वन एमयू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर हाइड्रोजन लेना चाहते हैं तो 12 की जगह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 AMU 1/1 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना। रिलेटिव में क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे तराजू जैसा लिया जाए, इस साइड में कार्बन रखना है और इस साइड में जिसका कंपैरिजन किया जाए, जो भी एलिमेंट होगा उसका मास रखना है। इसको क्या रखना है, कार्बन 12। इसका कितना होना चाहिए, 1/12 मीन्स इसके जितने पार्ट है, और एलिमेंट कितना यहाँ पे हम रखते हैं वो 1 एटम का इसका मास हो जाए। नाउ इन द लेटेस्ट सिस्टम एटॉमिक स्केल इज C12। कार्बन 12 ही हमने यूज में लिया है, क्यों, has been chosen as a reference atomic weight 12.00 AMU because abundance बहुत ज़्यादा है, nature में बहुत ज़्यादा मिलता है, reactivity बहुत ही कम है। By doing so, atomic mass of maximum element can be made whole number or nearby whole number। इसलिए आप क्या लेंगे, इसमें carbon 12 ही use करेंगे। oxygen लेंगे तो oxygen बहुत ज़्यादा reactive होती है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के खुद के अपने आइसोटोप्स बहुत होते हैं, जैसे प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इसलिए हम हाइड्रोजन नहीं लेते। कार्बन इसका अबंडेंस C12 का ऑलमोस्ट 99.9% होता है, रिएक्टिविटी बहुत ही कम है और ज़्यादातर होल नंबर्स में आंसर आता है, इसलिए हम कार्बन 12 ही यूज़ करते हैं। नाउ एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास किन का फाइंड आउट किया जाता है, जिसका हम आइसोटोप यूज करते हैं। इट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, कैन बी फ्रैक्शनल, इट इज फाउंड इन आइसोटोप्स। अब आइसोटोप होता क्या है, आइसोटोप का मीनिंग है कोई भी एलिमेंट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एलिमेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर होता है इसका एटॉमिक नंबर मीन्स जेड, और यहाँ पे होता है इसका एटॉमिक मास, ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पर एलिमेंट स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना होगा, और यहाँ पे होता है एटॉमिक मास। अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखा जाए तो जेड एक्स ए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई सेम एलिमेंट है, यानी एक्स सेम होना चाहिए तो जेड सेम होगा, ए डिफरेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आइसोटोप। आइसोटोप का मीनिंग क्या है, आइसोटोप मीन्स जेड क्या रहेगा, सेम, एनी टू एटम्स का कंपैरिजन करें तो जेड सेम होगा तो एक्स भी क्या सेम रहेगा, और ए क्या रहेगा यहाँ पर, डिफरेंट रहेगा, मास डिफरेंट होगा। मास डिफरेंट होते ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ए और एन डिफरेंट होगा, जेड और एक्स सेम होगा। एन आपको दिखता नहीं है, एन इसमें छिपा हुआ होता है, ए माइनस जेड क्या होता है, एन क्या होता है, ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इससे फाइंड आउट कर लिया जाता है। और कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका अबंडेंस, सेम एलिमेंट है तो नेचर में उसका अबंडेंस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। और एवरेज कैसे निकालेंगे कि उसका मास कितना है पहले का, उसका अबंडेंस कितना है, प्लस दूसरे का मास कितना है, उसका अबंडेंस कितना है, प्लस तीसरे का मास कितना है, उसका अबंडेंस कितना है, अपॉन 100। क्योंकि टोटल जो परसेंटेज आता है अबंडेंस का, वो परसेंटेज के फॉर्म में आता है, इसलिए 100 कर दिया। यहाँ पर नीचे x1+x2+x3=100 होता है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, यहाँ पर जैसे क्लोरीन है, Cl है, यहाँ पे इसके Cl आइसोटोप्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे 17 Cl 35,
और दूसरा क्या हो गया 17Cl37। तो ये दो अबंडेंस हो गए। यहाँ पे देखो जेड क्या रह गया सेम, और एक्स भी क्या यहाँ पे सेम। जब जेड सेम होता है तब एक्स हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसका अबंडेंस देखिए कितना है यहाँ पर, इसका अबंडेंस सेवेंटी फाइव परसेंट और इसका अबंडेंस कितना है रिमेनिंग 25%। तो हमारे पास में इसका मास कितना है, ए कितना है यहाँ पे 35 और इसका ए कितना है यहाँ पर। तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले का मास एम वन है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्या है एम वन है, इट इज एम वन, और ये क्या हो गया यहाँ पर एक्स वन हो गया, ये क्या है यहाँ पर एम टू, और ये यहाँ पर क्या हो गया एक्स टू। 25 का मतलब हो गया 25/100 यानी 1/4, और ये कितना हो गया 75/100 यानी 3/4, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया 3/4 प्लस 37 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1, तो 35 इंटू देखिए यहाँ पे क्या हो गया 35 × 3/4 और प्लस 37 × 1/4, तो यहाँ पर ये 1/4 कॉमन ले लिया 35 × 3 35 × + 37 नीचे तो 1 हो ही गया अपने आप ही, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/4 और 35 × 3 कितना हो गया मल्टीप्लाई 15, 1 कैरी 9 और 1 10 प्लस 37 और अगर इनको जोड़ा जाए तो ये कितना आएगा यहाँ पर 1/4 और 2 142 यानी ये कितना हो गया 71/2 यानी 35 पॉइंट। इसलिए Cl का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, इट इज एवरेज एटॉमिक मास है ना। ये क्या हो गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl कितना होता है 35.5, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस दो आइसोटोप्स हैं, इन दोनों की कितनी है 75 और 25%, इस तरीके से कैलकुलेट करके आंसर आता है। नाउ इसके बाद मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसको मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे और एटम का मास होगा तो उसे एटॉमिक मास बोल देंगे। वन एटम का मास होगा अगर आप एएमयू में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वन एटम का ही रहेगा, और जो आपको मालूम है अगर वो आपको 1 मोल में दे दिया जाए तो उसके आगे यूनिट क्या आ जाती है। नाउ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, अगेन दोनों यूनिट चलती है एएमयू यू और ग्राम, यू यूनिफाइड है आजकल का जो फैशन है वो यू का है, यू मीन्स एएमयू है ना, यूनिट क्या हो गई एएमयू भी होगी और ग्राम भी होगी, और आपको रिलेशन मालूम है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²। ये नहीं याद रहता तो इतना जरूर याद रखना 1/NA ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम फर्स्ट एटम इंटू देयर एटॉमिक मास प्लस नंबर ऑफ सेकेंड एटम इंटू देयर एटॉमिक मास प्लस थर्ड एटम इंटू देयर एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास देखिए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं NaOH की बात करूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि आपके सिलेबस में फॉर्मूला बनाना भी है, इससे पहले वाले में हमने फॉर्मूला देखा था OH माइनस है Na प्लस है, मेटल को पहले लिखना है और एनायंस को बाद में लिखा जाता है। अब देखिए Na कितना है यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई Na का मास कितना होता है 23 प्लस
ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 1, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटम का मास कितना हो गया 16, प्लस हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 1, 1 इंटू 1, टोटल करेंगे तो 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया 40। अगर ग्राम लिखते हैं तो ये 1 मोल NaOH का मास हो गया, अगर आप AMU लिखते हैं तो 1 एटम 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH का मास हो गया। नाउ H2SO4 देखिए H कितना है, नंबर इसका 2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, प्लस सल्फर कितना है इसके पास 1, और सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना है इसके पास में 4, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 इंटू 16 64, कितना हो गया 98 ग्राम। 1 मोल H2SO4 का मास कितना हो गया यहाँ पर 98, इसका नाम क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ अमोनिया, अमोनिया देखिए इसका नाम अमोनिया NH3, फॉर्मूला भी आना चाहिए और आपको नाम भी आना चाहिए। N कितना है 1, मास कितना होता है 14, प्लस H कितना है 3, मास कितना हो गया 1, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया 17 ग्राम। 1 मोल अमोनिया का मास कितना हो गया 17 ग्राम। NH4Cl इसका नाम क्या हो गया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए कितना है 1, मास कितना हो गया 14, हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं 4, मास कितना हो गया 1, क्लोरीन कितना है इसके पास 1, और मास कितना है 35.5। जब भी एलिमेंट चेंज होगा बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का, और नंबर ऑफ एलिमेंट और मास के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो ये हो गया 14 प्लस 4 प्लस 35.5, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 और इसमें ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा 0.5, 3 और 53. नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर। कैल्शियम कितना है इसके पास में 1, और कैल्शियम का कितना होता है 40, प्लस अब देखिए O और H दोनों के पास 2 है तो बाहर क्या लिख देंगे 2, अंदर ऐड करेंगे। ऑक्सीजन कितना है 1 इंटू 16 यानी 16 ही हो गया, हाइड्रोजन भी कितना है 1, और वेट भी कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया 40 प्लस 2 इंटू 17, और कितना आ गया 40 प्लस 34 यानी 70 ग्राम। यूनिट किस में आ गई है, ग्राम में। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स है और इनका एटॉमिक मास था। एक और जिसका कि हम देखना चाहेंगे एटॉमिक मास, देखो क्या आएगा यहाँ पर, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर Na2CO3.10H2, इसका नाम क्या है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम क्या होता है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा। और कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका वेट, देखिए सोडियम कितना है यहाँ पर 2, और सोडियम का मास कितना होता है 23, कार्बन कितना है 1, तो 1 इंटू कार्बन का मास कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना है 3, 16 प्लस 10 पूरे के साथ है H2O के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, ये कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 48 प्लस 10 इंटू 18, तो आपके पास में कितना हो गया 46 प्लस 12
प्लस 48 प्लस 180, ऐड किया इसको 180, 46, 12, 48, 48 और 12 60, 60 और 46 कितना हो गया है 106, 106 और 180 कितना हो गया 286। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 286 ग्राम। वन मोल Na2CO3.10H2O का मास कितना हो गया है 286 ग्राम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? जैसे कि आपको मालूम है मोल किसकी यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस की। मेरे पास अमाउंट कितना है सबस्टांस का, कोई भी सबस्टांस हो। सबस्टांस मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ग्रुप, कंपाउंड, कुछ भी है ना, जो भी केमिस्ट्री के अंदर स्पीसीज होती है वो सब, उनका अमाउंट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल। वन मोल का मतलब उसके अंदर काउंटिंग में कितने एटम्स आएंगे, कितनी स्पीसीज आएंगी, 6.022 × 10^23। फिक्स है कि एक मोल का मतलब इसके पास में इतने इतने संख्या है। एक मोल का मीनिंग क्या है, इसके पास में इतनी संख्या है, इतनी संख्या में एटम है, इतनी संख्या में मॉलिक्यूल है या आयन्स है। एटम्स दो पर आ गए ना, या फिर आयन्स। इट रिलेट विद मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। एनटीपी का नाम क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 + 273 केल्विन। प्रेशर कितना होता है 1 atm कह दो या 1 bar के। अब कई जगह ऐसा है कि टेम्परेचर को 25 डिग्री भी ले लिया गया है। अगर मैं यहाँ स्टैंडर्ड वर्ड ले लेती हूँ तो 25 डिग्री, अदरवाइज 273 के और 1 bar जनरली जो चलता है। अब जो चल रहा है लेटेस्ट में वो टेम्परेचर कितना चल रहा है, रूम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड लेते हैं। पहले नॉर्मल लेते थे, अब स्टैंडर्ड लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं कि ये किससे रिलेट कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट से भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी और वॉल्यूम ऑफ गैस से भी। तो वन मोल में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता दिए कितने होते हैं, 6.022 × 10^23। क्या कह रहा है कि वन मोल किससे रिलेट कर रहा है, मोल रिलेट विद किससे, रिलेट विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप पार्टिकल्स से रिलेट करना चाह रहे हो तो इसमें क्या हो गया, वन मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10^20। एटम्स है, आयन्स है, मॉलिक्यूल्स है, क्या अदर जो भी स्पीसीज आप लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन तो हमने किससे बता दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इसे क्या फॉर्मूला बन गया कि अगर मैं मोल क्या होगा, इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एनए, इसी को ही क्या बोल दिया जाता है, या कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए मोल को मल्टीप्लाई करा दो एनए से, और मोल फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड कर दो किससे। तो फर्स्ट हमारे पास रिलेशन आ गया कि मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एनए, तो मुझे मोल मिल जाएगा। पार्टिकल्स निकालना है तो मोल को एनए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही सेकेंड रिलेशन क्या है, मोल रिलेट विद एटॉमिक मास
और मॉलिक्यूलर मास कैसे रिलेट करेंगे? वन मोल मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम और यही चीज मैं वेट फाइंड आउट करना चाहूं वेट फाइंड आउट करना चाहती हूं तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करा दूं मॉलिक्यूलर मास या किससे फाइंड आउट करा दूं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास तो आप सभी जानते ही अभी देखा ही है वन एटम का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास भी आप फाइंड आउट करना चाहते और मोल अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो लास्ट रिलेशन क्या रह गया यहाँ पर थर्ड रिलेशन क्या रह गया मोल रिलेट विद वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। अब किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है एनटीपी पे फिक्स होता है कितना होता है 22.4 लीटर फिक्स है क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस एट एनटीपी फिक्स है कितना 22.4 लीटर या 22400 ml हजार से मल्टीप्लाई करा देंगे ml के लिए तो हमारे पास में 22400 ml आ जाए। अगर मुझे मोल फाइंड आउट करना है तो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी अपॉन में क्या कर देंगे 22.4 लीटर और अगर मुझे यहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना है एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी फाइंड आउट करना है तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 22.4। कहने का मतलब मोल अगर मुझे निकालना है तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो मोल अगर मुझे निकालना है मास के फॉर्म में तो मास से डिवाइड कर दो नंबर के फॉर्म में निकालना है तो एनए से डिवाइड बस इतना सही है इसमें। देखिए यहाँ पर एक साथ में हम इसको ऐसे रिलेट करते हैं क्या रिलेट किया है बीच में मोल है इधर मास है इधर वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी एसटीपी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड आ जाता है एसटीपी बोल दिया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब आप देखिए मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यानी आपके पास मोल गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मोल गिवन है मल्टीप्लाई किससे कर देंगे एनए से कर देंगे मोल से अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ये देखिए ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे कर दे एनए से मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दे एनए से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और अगर मैं इसको मोल को फाइंड आउट करना चाहूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किससे डिवाइड कर दूं एनए से डिवाइड कर तो मेरे पास क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा। ऐसे ही देखिए मोल से आप मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मोल से मास फाइंड आउट करना तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मोल इनटू क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट। उल्टा करना चाह रहे हैं मास से मोल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मीन्स जब मोल की तरफ आएंगे तो या तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे या एनए से डिवाइड करेंगे या फिर 22.4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए मोल से क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप वॉल्यूम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4
22.4 लीटर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 10 TPa आ जाएगा। और अगर उल्टा करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 10 TPa अपॉन 22.4 लीटर। बस मोल कंसेप्ट यही है, जब आप मोल की तरफ आ रहे हो तो डिवाइड करना है, अगर आप मोल से दूर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मास की तरफ जा रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जा रहे हो तो एनए से। यही मूल कंसेप्ट है। ओके, तो टोटल आज के इस लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।